प्रोफेसर अंशु जोशी जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप क्या बड़ा टेक अवे देख रही हैं इसके जरिए? सबसे बड़ा संदेश हिंदुस्तान का क्या रहने वाला है? क्या बड़ी उपलब्धियां भारत को इसके जरिए हासिल होने वाली हैं? चित्रा, सबसे पहले तो हम ये देखें कि आज जन्माष्टमी के उत्सव के रूप में हम उस युग पुरुष के अवतरण को का उत्सव मना रहे हैं जिसने पूरे विश्व को निष्काम कर्म का, निष्काम प्रेम का और निष्काम मित्रता का संदेश दिया। और यही संदेश G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत पूरे विश्व को दे रहा है। भारत समग्रता की बात कर रहा है, भारत समावेशी होने की बात कर रहा है, भारत आपसी सहयोग का संदेश पूरे विश्व को दे रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बार बार अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि आइए हम कंपटीशन नहीं करेंगे, हम कलेबरेशन करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। हम ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज के रूप में G20 जैसे मंचों के लोकतंत्रीकरण का संदेश दे रहे हैं, हम इसमें जन भागीदारी का भी संदेश दे रहे हैं। और इसका उदाहरण हमने खुद प्रस्तुत किया, किस तरह से हमने 60 से भी ज्यादा अपने शहरों में 220 से भी ज्यादा मीटिंग्स का आयोजन सफलतापूर्वक किया। और जो अलग अलग तमाम देशों के प्रतिनिधि हमारे देश में आए, उनको हमने अपनी जनता से जोड़ा। और हमने जो ये उद्देश्य G20 के एस्टेब्लिश्ड हैं, चाहे चित्रा एग्रीकल्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, टूरिज्म की बात हो, इनोवेशन की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, एंटी करप्शन की बात हो, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो, ये तमाम जो G20 के उद्देश्य हैं, हमने सुनिश्चित किया कि हम इसे यूनिलेटरल लेवल पर अपने देश में अलग अलग योजनाओं के रूप में चलाएंगे और इसका लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। और यही संदेश हम पूरे विश्व को दे रहे हैं कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए न सिर्फ ऐसे मंचों का लोकतंत्रीकरण करें, इसमें हम जन भागीदारी सुनिश्चित करें और ये सुनिश्चित करें कि जो कुछ भी हम वैश्विक स्तर पर कर रहे हैं उसका लाभ समाज के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को मिले। और पहले ऐसा नहीं होता था, और पहले इस तरह की तस्वीर किसी भी मुल्क को अगर आप उठाकर देखेंगे, अब तक जितनी भी 17 बैठके हुई हैं, यह 18वीं है, कहीं पर भी इतनी बड़ी जन भागीदारी आपको नजर नहीं आई होगी, या इतने बड़े पैमाने पर 125 देशों के 1,00,000 से ज्यादा जन प्रतिनिधियों को बुलाकर आप जरा सोचिए, अगर अलग अलग कार्यक्रम किए जाए तो वो अपने आप में अभूतपूर्व हो जाता है। अशोक सज्जनार जी, सीधे आपके पास आते हुए, जब इंडिया के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि पुतिन और जिनपिंग के ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी ऐसा होता रहा है, हमारा जो एजेंडा है उसको लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? देखिए, शुक्रिया चित्रा जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, जो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अगर आप देखें जो पिछले 17 G20 जो सम्मेलन हुए, शिखर सम्मेलन हुए, उसमें बहुत ऐसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो नहीं आ पाए किसी कारणवश, परंतु देखिए उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे रूस के राष्ट्रपति का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे उनके विदेश मंत्री। पिछले साल भी बाली में उनके विदेश मंत्री ने उनका प्रतिनिधित्व किया था, और इस बारी चीन के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व उनके प्रधानमंत्री करेंगे। और देखिए पूरे साल हमने यहाँ पर ये जो अपनी प्रेसिडेंसी ली है, अध्यक्षता ली है, वो 1 दिसंबर 2022 को लिया, अब 9 महीने से ऊपर हो गए हैं, बहुत मुलाकातें हुई हैं पूरे देश भर में, जैसे हमने कहा 200 मुलाकातें हुई हैं, उससे ज्यादा हुई हैं, उसमें रूस के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए हैं, चीन के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए हैं, चीन का जो पक्ष है, रूस का जो पक्ष है, उन्होंने रखा है। तो इसीलिए अभी तक जहां तक हम पहुंच पाए हैं चित्रा जी, काफी आगे तक हम ले गए हैं। देखिए दुनिया में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए, फूड शॉर्टेज, फर्टिलाइजर शॉर्टेज, एनर्जी शॉर्टेज, जो इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, जो डेट स्ट्रेस और डेट रिलीफ की जो हम बात करते हैं, जो हम सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की बात करते हैं, जो हम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो वो काम नहीं कर रहे उनकी बात कर रहे हैं, उन सब में इनके प्रतिनिधियों ने काम किया है। मैं आखिरी बात इसमें ये कहूंगा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह कहा है, जो हमको जीडीपी सेंट्रिक अर्थव्यवस्था से हटकर मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था पर हमें जाना है, और वो हम भारत में करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से। जो हमने भारत में अंदर में किया है उसी की जरूरत है अब पूरी दुनिया को इसको फॉलो करने की। दुनिया क्या करती रही है, या तो अमेरिका का कैपिटलिस्ट सिस्टम या चीन का कम्युनिस्ट सिस्टम, परंतु अब बारी आ गई है जो भारत का जो एक मॉडल है उसको आगे ले जाया जाए और उसके साथ पूरी दुनिया साथ मिलकर काम करे और उसकी उन्नति हो,
और उसकी प्रगति हो। संजय मिश्र जी, आपके पास आते हुए, क्या इस बात को दुनिया एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का रोल अपने आप में इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। पिछले 9 सालों में अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ही बात कर ले हम, तो कूटनीति के स्तर पर कई जगहों पर बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया जब दो ध्रुवों में बटी हुई थी, हिंदुस्तान पर लगातार दबाव बन रहा था, उस वक्त भी हमने आपको एक तटस्थ भूमिका में रखा। तो इस G20 के जरिए आपको क्या लग रहा है, क्या बड़ा संदेश, और जिस GDP केंद्रित, जैसा कि सर जिक्र कर रहे थे कि GDP केंद्रित व्यवस्था नहीं बल्कि मानव केंद्रित व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, क्या वो संदेश हिंदुस्तान से जा पाएगा? चित्रा, बिल्कुल, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी का आर्टिकल एक आया है, खुद लिखा हुआ उन्होंने, बिल्कुल, ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ लीविंग नो वन बिहाइंड, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ जो भी आपने बोला जी, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वन वर्ल्ड वन फैमिली वाला जो मुद्दा है प्रोग्रेस, और प्रधानमंत्री जी के जो आर्टिकल में बहुत साफ लिखा है कि अगर वन वर्ल्ड वन यूनिवर्स का कंसेप्ट है तो उसमें हमको ये जो बॉर्डर्स हैं उसकी चिंता नहीं करनी है, लैंग्वेजेस की चिंता नहीं करनी है, उनको हमको अलग रखना है, आइडियोलॉजीज की चिंता नहीं करनी है, वर्ल्ड को एक साथ एक टीम में ले चलना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री के जो दो, मैं तो बोलूंगा दो वीज हैं, एक तो है विश्व गुरु, मतलब वी आर द वर्ल्ड लीडर, और जो रशिया यूक्रेन वॉर अभी चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बहुत साफ लफ्जों में बोला है, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, बिल्कुल, दिस द थिंग्स हैव टू बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो कूटनीति स्तर पे यही हमको एक मैसेज देना पड़ेगा। और जो आपने अभी चीन का भी एक विषय उठाया है, देखिए चीन का ना आना तो साफ जाहिर है, ये इंडिया को एक चीन का मतलब प्रेसिडेंट का ना आना, प्रोटोकॉल वाइज प्रेसिडेंट की एक अहमियत है, खासकर ऐसे सम्मेलन में जो विश्व स्थल पे इतना इम्पोर्टेंट सम्मेलन है, उनको प्रॉब्लम है इंडिया से, बिल्कुल, हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, उनको पता, हमने मुंह तोड़ जवाब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में दिया है, ये सब देखते हुए उनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। और जो लीडरशिप हमने ले ली है ग्लोबल साउथ की, बिल्कुल, इमर्जिंग इकोनॉमीज की, क्या उससे ज्यादा चढ़ गया है ये जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्या चीन इससे ज्यादा चढ़ गया है, इसी वजह से राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं लेकिन खुद जिनपिंग यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, चीन बहुत उस पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में जो ब्रिक्स समिट हुई थी जोहान्सबर्ग में, बिल्कुल, उसमें भी अगर लोगों ने इसको गंभीरता से देखा होगा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी, ना कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को, वो जो बॉडी लैंग्वेज और जितना भी वहाँ प्रोटोकॉल इश्यूज उठे थे। तो जो हम लोग ने एक, और दूसरा, अभी हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रपोजल दिया है जी। तो ये सब देखते हुए ऑब्वियसली हम, और इस टाइम 9 देशों को हमने इन्वाइट किया है, बिल्कुल, तो ये सब जाहिर होता है कि हम एक ग्लोबल साउथ के लीडर बन चुके हैं। और काफी, मैं तो बोलूंगा साल से, मेरे को याद है जब मैं इंडियन आर्मी में एज अ कर्नल डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस फॉरेन डिवीजन में था जी। हम एम्बेसीज में जाते थे और उस दौरान चिली के जो एम्बेसडर थे मिस्टर पेन, उन्होंने बोला था ओपन फोरम में कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ ग्लोबल साउथ, उन्होंने कैपिटल घोषित किया था, ठीक है, ये 2006 की बात है। तो कहने का मतलब है ये जो एक हमने लीडरशिप का रोल ले लिया है और जो हमने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखी है जो प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल भी दर्शाता है, ये ऑब्वियसली चीन को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा। और इसमें आयोजन इतना बड़ा, इसमें उनका एक नुकसान भी है, देखिए अगले G20 सम्मेलन का है, अभी तो इंडिया ने किया पार्ट ऑफ ब्रिक्स, नेक्स्ट ईयर ब्राजील, उसके बाद साउथ अफ्रीका, बिल्कुल, वो भी ब्रिक्स के, तो ये ब्रिक्स के लिए भी एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। जिस तरह से शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को वो भेज रहे हैं, लेकिन अगर वो खुद आते तो तस्वीर थोड़ी अलग और अलहदा होती, लेकिन हमारे मेहमानों का ये मानना है इससे चीन को ही नुकसान होगा।